दुर्गा सप्तशती का अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन मैं बतलाऊंगी सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सब श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का व्यवहार लेती है और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। और दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके स्वर दूसरी कौन है जिसका चित्त सबके उपकार करने के लिए सदा ही दयादर रहता हो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वसला तीन नेत्र वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार। शरण में आए हुए दीनों में पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा कर, तुम्हें नमस्कार। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, तुम्हारी शरण में गए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीन लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। अंतिम अध्याय, देवी मई। हे जगदम्बे, हे जगदम्बिके, संसार में ऐसा कौन सा वांग में है जो तुम्हारी स्तुति नहीं, जिसमें तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल सब में है। हे देवी, तू अब मेरे मन में संकल्प विकलात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृति में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वंस कारिणी कल्याण शिव रूप ने, शिवे इस बात को सोचकर बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति जब पूजा अथवा ध्यान से रहित नहीं है, अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार विचार व्यवहार तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहृत होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणित हो गए हैं। ओम भगवती नमः।